उसने पापा पहले ठीक है क्या बोलते हैं लेकिन फिर अरे जाओ उसने क्या पापा क्या बोलते हैं लेकिन फिर ऐसा ही लगा ही सीओ सीओ जब तक बोले ना तब तक उठा नहीं ऐसा ही लगा ही सीओ सीओ एक्स एक्स क्या है एक्स अपने लिए कौन कौन उसके बाद की कौन सी घर में बोले ना तो कर क्या नहीं
Sí. Yeah.
आइसो
Painting, yes. ये बात तो उसका क्या ISO होगा? That is क्या नाम होता है इसका ISO? Painting. ठीक है, और क्या बना सकते हैं हम लोग? और क्या बनेगा बताओ? और बनेगा CH3 और ये CH3. ऐसे भी तो बन सकता है. बन सकता है ना? अब ये बताओ क्या है? Neopentane. ठीक है, ये पूरा तो जो है वो किसका आता है? न्यू का. ऐसा बताएंगे इसको क्या नाम है? न्यू पेंटेन. और ये तीनों आपस में क्या है? आइसो. इन तीनों आपस में क्या है? आइसो. बात समझ में आया? ये वाला एक दूसरे का क्या है? होमोलोगस सीरीज. ठीक है, मीथेन का सॉरी अल्केन का होमोलोगस सीरीज. बात समझ में आया? क्लियर है? हाँ, ये हम नहीं कर रहे हैं कि एक के बाद वाला एक, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. जैसा ये बोले कि अल्केन का होमोलोगस सीरीज का मेंबर है क्या? ये भी है और ये भी है. लेकिन बोले एक के बाद एक सीरीज रिपीटिंग वाले में आ रहा है क्या? मतलब एक के बाद एक वाला में आ रहा है क्या? तब नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद वाला कौन होगा? ये. और इसके बाद कौन होगा? ये. और इसके बाद कौन होगा? ये. हाँ, मेंबर बोले अल्केन का, तो हाँ ये वाला दिया हुआ मेंबर है. आप समझ में आए? क्लियर हुआ क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है. अब और कितना से डिफर हो रहा है ये? कितने यूनिट से? तो ये CH2 से. यानी एक के बाद एक वाला जो है वो CH2 यूनिट से डिफर रहेगा और साथ ही साथ 14 यूनिट से, मतलब 14 एटॉमिक मास से डिफर करेगा मॉलिक्यूलर मास. क्लियर है? जरा दूर तक कल हो गया याद है? जरा दूर तक कल हो गया. अब हम लोग दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, वो CnH2n इसको मिटा रहे हैं. ठीक है, ये कल हो गया था इतना. दूसरा आवाज का ठीक है. अब हम दूसरा ले रहे हैं, जैसे CnH2n ये किसका था? अल्कीन का भी था और साथ साथ साइक्लोअल्केन का भी था. ठीक है, तो ये हम किसके लिए ले रहे हैं? साइक्लो अल्केन के लिए. ठीक है, हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो साइक्लो अल्केन के लिए ले रहे हैं. तो साइक्लो अल्केन सबसे साइकिल बनाना है तो सबसे कम कार्बन का साइकिल कितने कार्बन का बनेगा? 3 कार्बन का. 2 कार्बन का कोई साइकिल बना सकता है क्या? बना लेगा तो उसको नोबेल प्राइज मिलेगा. ठीक है, तो ये क्या बनेगा? CH2. ठीक है, CH2. और ये देखो CH2, समझ में आया? हर एक कार्बन, एक कार्बन देखो दो लाइन नजर आ रहा, दो बॉन्ड नजर आ रहा है, तो कितना हाइड्रोजन है उसके पास? ऑटोमेटिकली दो हाइड्रोजन है. बोलो बात समझ में आया? यदि कोई कार्बन के पास 3 लाइन नजर आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके पास एक हाइड्रोजन. मान लो जैसे बेंजीन 3 बॉन्ड नजर आता है ना, 3 बॉन्ड नजर आता है उसमें तो एक हाइड्रोजन हर एक कार्बन के पास. मान लो अब यहां पे कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? हर एक कार्बन के पास दो बॉन्ड नजर आ रहे हैं ना, तो कितना हाइड्रोजन होंगे इसके पास? दो हाइड्रोजन, क्योंकि 4 कंप्लीट करना है. बात समझ में आया? अब देखो इसका अगला होमोलोगस सीरीज कौन सा होगा? ये होगा क्या? बात समझ में आया? इसका नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज कौन सा होगा? समझ में आया? इसका नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज कौन सा होगा? हर एक में क्या प्रॉब्लम जा रहा है? CH2. बात समझ में आया? नोट करो. अगला एक हम ले लें CnH2n+2O. ठीक है, CnH2n+2O. ठीक है, यानी कि कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन उसका डबल का दो ज्यादा रहेगा और एक ऑक्सीजन रहेगा. ठीक है, और इसमें भी हम ले रहे हैं आपका अल्कोहल. कौन सा ले रहे हैं? अल्कोहल. बात समझ गए आप? कौन सा ले रहे हैं? अल्कोहल. तो सबसे पहला वाला जो अल्कोहल ले रहे हैं. ठीक है, अब यदि n = 2 मान ले, n = 2 मान ले तो क्या बनेगा? CH3OH. ठीक है, n = 2 यदि 2 ले लेंगे तो क्या बनेगा? CH3CH2 और ये रहा OH. ठीक है, और n = 2 यदि हम 3 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2 और ये OH. बात समझ में आया? समझ में आया क्या है? अच्छा, और इसमें कुछ बदल सकते हैं क्या? और इसको लिख सकते हैं कैसे? CH3 CH CH3 OH
बताओ ऐसे लिख सकते हैं क्या? बताओ क्या आइसोबार आ जाएगा? खा गया क्या? आइसोटाइप आया? नाम बाद में बताएं, पहले समझ लो होमोलोगस सीरीज बताओ। अब पागल कैसे लिखना है, कैसे करेंगे? CH2 n = 4 में, ठीक है? CH2 और ये क्या बनेगा? OH, ठीक है? अब इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको और लिख सकते हैं CH3CH और ये रहा CH3CH2 और ये रहा OH, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं? और इसको लिख सकते हैं CH3CCH3, ये रहा CH3 और ये रहा OH। देखो चेक करो, ये इसके क्या है? होमोलोगस सीरीज है, ठीक है? एक के बाद एक जो आ रहा है, अब सब 14 यूनिट से डिफर करेगा और साथ ही साथ किससे डिफर करेगा? CH2 यूनिट से। और ये आपस में क्या है? वाह, ये आपस में क्या है? बात क्लियर हो रहा क्या आप बोले? ठीक है, नोट करें। Yeah.
इसमें कितना है, एक दो तीन चार फोर सी है, और कितना एमआई है ना, कौन सा एमआई है, वन डिग्री एमआई। ये कितने को फोर सी तो है लेकिन कितना डिग्री एमआई है, टू डिग्री एमआई। अब यही कैंसिल हो गया बिकॉज वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री एमआई आर डिफरेंट फैक्टर्स, इज दैट क्लियर। और ये तुम्हारा क्लोज हो जाएगा थ्री डिग्री एमआई। कार्बन लेकिन ये बताओ होगा या नहीं होगा, होगा। ये क्या है फिनॉल और ये क्या है अल्कोहल, कैसे होगा, दिखने में सेम लग रहा कि नंबर ऑफ कार्बन मिल गया लेकिन ये फिनॉल और अल्कोहल है। फिनॉल में वही चीज डायरेक्टली अटैच रहेगा बेंजीन रिंग से तब फिनॉल, और डायरेक्टली नहीं है तो वो अल्कोहल है। समझ में आया, तो ये बताओ क्या है अल्कोहल और ये क्या है अल्कोहल, ये बताओ होगा क्या, कितने का है, एक दो तीन चार फोर सी, इसे भी एक दो तीन चार फोर सी कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया, ठीक है। ऐसे भी देखो एक दो तीन चार फोर सी, ये सारे एक दूसरे के क्या है आइसोमर, इज दैट क्लियर, आइसोमर। ये गलत होगा, ये बताओ एक दो तीन थ्री सी और वन डिग्री एमाइन, ये क्या होगा फोर सी और वन डिग्री एमाइन है ना, और ये 5C 1 डिग्री एमाइन, एकदम करेक्ट है क्या, है ना। चलो इसका बताओ है क्या साइक्लो में, 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन आइसो है क्या मोनो सीरीज, इसका आओ 1 2 3 4 4C के साथ क्या है ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 5C के साथ क्या है ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 6 C के साथ क्या है ट्रिपल बॉन्ड। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला देखो, ये बताओ 1 2 2 C के साथ क्या है एसिड, 3 C के साथ क्या है एसिड, 1 2 3 4 5 5 C के साथ क्या है, होगा क्या, अरे हां या ना, हां होगा क्योंकि नेक्स्ट कॉमन का सीरीज नहीं पूछा, सेट पूछा नेक्स्ट में बोल सकता हूं नहीं पूछा, समझ में आया, क्योंकि 4 के बाद क्या 3 के बाद 4 चाहिए, ठीक है। अब इसमें बताओ 2 C के साथ साइनाइल, 3 C के साथ साइनाइल और 4 C के साथ आइसोसाइन, यस आइसोसाइन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये होगा सीरीज, इज दैट क्लियर। अब हेडिंग का देंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।
केसरी सिंगल बॉन्ड सिक्योरिटी, तो जितना H2 देने के बाद वो सिंगल बॉन्ड और ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड DU और DPE, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बात समझ में आया? यानी इसका DU यदि हम बोले तो क्या होगा, या फिर DPE बता क्या होगा? समझ में आया? यदि हम उसके जगह एग्जांपल लाओगे, ठीक है, आप देखो जैसे आप लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कितना H2 देना पड़ेगा, 2H2, यस ठीक है, 2H2 देंगे तो दोनों बॉन्ड का आ जाएगा 2D आएगा, ठीक है, और दोनों बॉन्ड टूटने के बाद यानी ये वाला बॉन्ड टूटेगा और साथ साथ ये वाला, और H यहाँ और H यहाँ, दोनों H चला जाएगा, ये H इधर और ये H इधर चला जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका CH3 और CH3, बताओ DPE कितना होगा, 2। समझ में आया क्या बोले हम? ठीक है, सिंगल ओपन चेन और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना। अब जैसे इसी का देखो तीसरा वाला, ठीक है, CH2 और ये CH2 और ये देखो CH2 का रिंग है, ठीक है, बताओ कितना हाइड्रोजन देना पड़ेगा कि ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1H2 देना पड़ेगा। अरे सिंपल कुछ नहीं करना, रिंग को तोड़ देना, जितना रिंग रहेगा उतना ही उसका डिग्री, एक रिंग है ना, इसको तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लो हो गया सिंगल बॉन्ड, मतलब ओपन हुई है ना, रिंग को तोड़ना है सिंपल, क्लियर हुआ? तो कितना कितना बार हमको बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा कि रिंग ओपन हो जाएगा, कितना बार हमको मेहनत करना पड़ा, एक बार यहाँ से आपका एक हो गया ओपन, समझ में आया? इसी को हम इसका फिर रहे सुनने के लिए ना, और आसान से समझ रहे हैं, तो देखो वाला ये एच और ये एच इसी का, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला एच चला जाएगा इसके पास और ये वाला एच चला जाएगा इसके पास, जिससे ये बन जाएगा CH3 और ये CH2 और ये CH2 और ये हो जाएगा CH3। चला अब बेजान घुसा है, अब इसका नाम बताओ क्या होगा, बताओ नाम क्या होगा इसका, अरे मालिक ये CH3 CH2 CH3 CH3 क्या है, और इसको प्यार से ऐसे भी हमारा का फल में अब टेढ़ा मेढ़ा कर दिया उससे क्या मतलब, कार्बन और हाइड्रोजन तो नहीं है ना, उसको जैसे मान वैसे लिखो तुम्हारी मर्जी, ठीक है, हमको मन करेगा वैसे लिख लेंगे, समझ में आया? तो ये इसका डिग्री कितना हो जाएगा, बोलो इसका डिग्री कितना होगा, वन होगा, ठीक है, इसका नाम होता है एसी ट्राइलिन, ठीक है, इसका ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है, नाम भी लिख लेना, ठीक है, और ये तुम क्या तुम्हारा साइक्लो ब्यूटेन, और ये क्या बना तुम्हारा ब्यूटेन, ठीक है, और तुम्हारा डबल बॉन्ड का बना इथाइलीन, ठीक है, और ये ब्यूटेन बना, क्लियर है? इसलिए आपने ये अपने को इसका डेफिनेशन डेफिनेशन लिखो, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गिवन कंपाउंड, रिक्वायर्ड to convert the given compound into an open chain saturated hydrocarbon, ठीक है, क्लियर? अब DPE का फॉर्मूला कितने
क्या हुआ? समझ नहीं आया? Okay.
दो बॉक्स तो नहीं है, कितना हो जाएगा ये? ठीक, बार्गेनिंग तुम ये फॉर्म तो लगाओगे तो बताओ कितने हो जाएंगे? चार बार कितने हैं? दूसरे फॉर्म में लगाओ, चार बार कितना है इसमें? तीन ऊपर तीन नीचे, सिक्स और प्लस वन, ठीक है? और माइनस करो यहाँ, हाइड्रोजन कितने हैं? सेक्सी है ना, देख लो इसके हर एक पॉइंट पे, यानी हर एक पॉइंट पे कार्बन का तीन बॉन्ड बन रहा, तो हर एक में कितने हाइड्रोजन होंगे? एक, यानी क्या इसका फॉर्मूला C6H6 हो रहा है क्या? विच इज सेम एज बेंजीन, बात समझ में आया? क्लियर है? यानी कि यदि हम C6H6 से बात करें तो दो तरीके के कंपाउंड बन सकते हैं, एक तो बेंजीन वेल नोन एग्जांपल है एंड सेकंड वन इज प्रिज्म। बात समझ में आया क्या बोले हम? ठीक है, तो यहां पे सी और वहां हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? सिक्स ही है ना, हाइड्रोजन हो जाएगा सिक्स और डिवाइडेड बाय टू, ये तुम्हारा सेम आ जाएगा सेवन माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा थ्री, ठीक है थ्री और ये हो जाएगा, तो इसका भी मीन क्या हो गया? सेम, इससे सेम है बेंजीन का देखो सेम। बात समझ में आया? ठीक है, यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि बेंजीन एंड प्रिज्मेन आइसोमर टू इच अदर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, वो क्या हो जाएंगे? दोनों क्या हो जाएंगे? आइसोमर। ठीक है दोस्तों, क्या क्या पढ़े? डीयू का मतलब पढ़े कि
बात समझ में आया? दो पाई बॉन्ड ए थ्री, डीयू कितना होगा? थ्री, या दो तीन पाई बॉन्ड डीयू क्या होगा? समझ में आया? अच्छा तीन रिंग डीयू क्या होगा? समझ में आया? ठीक है, अब यदि किसी का चार डीयू आया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि चार पाई बॉन्ड डीयू क्या, ठीक है, तीन पाई बॉन्ड एक रिंग डीयू कितना होगा? समझ में आया? दो पाई बॉन्ड दो रिंग डीयू क्या होगा? यानी कि एक डीयू में कितने सारे वेरिएशंस हैं? बात समझ में आया? यानी कि अपने पास यदि डीयू टू आ रहा है, अपने पास यदि डीयू टू आ रहा है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि दो डीयू आया है, ठीक है, डी बी ई इज इक्वल टू कितना आया है? टू, जिसको हम डीयू निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो सकता है? दो क्या हो? पाई बॉन्ड हो। और दो पाई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? कि दो जगह डबल बॉन्ड हो। समझ में आ रहा है? दो पाई बॉन्ड हुआ ना, या एक जगह क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो। समझ में आया? और उसमें भी दो पाई बॉन्ड ऐसा भी तो हो सकता है, एक साथ में हो और एक छोड़कर, मतलब दोनों साथ में हो या एक छोड़कर एक में हो। समझ आया क्या आप बोले? क्लियर है बात? समझ आया? उसमें भी तो नाम बदल जाएगा ना कंपाउंड का। समझ आया ना क्या वो बोल रहे हैं? क्लियर है? आप इधर बोले दो पाई बॉन्ड है तो एक पाई सिग्मा बॉन्ड होता है ना, दो एक जो डबल बॉन्ड है उसमें एक पाई सिग्मा बॉन्ड से दो पाई, मतलब एक कंपाउंड में दो जगह पाई हो। सिग्मा बॉन्ड का यह कोई काफी नहीं क्योंकि डीबी में या डीयू जो का है उसमें सिग्मा का कोई रोल नहीं, ठीक है, पाई में ही केवल। तो हम क्या बोलेंगे? दो डबल बॉन्ड हो सकता है, अभी बताएंगे सब बाहर कर देंगे, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब यदि हम आ जाए पाई बॉन्ड का खत्म, अब क्या हो सकता है कि एक पाई हो सकता है और क्या हो सकता है? एक रिंग हो सकता है। बात समझ में आया? और क्या हो सकता है? दो रिंग। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? अब देखो यदि हम दो पाई बना रहे हैं या हम यू कहें कि ट्रिपल बॉन्ड केवल हम बना रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले का चार कार्बन का सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? अल्काइन। ये क्या है आपका? अल्काइन तो है बोलो। और ये क्या है? हाँ वेरी गुड, ये क्या है? अल्काइन। अल्काइन मतलब क्या? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अब चार कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड क्या बनेगा? सी एच थ्री, या फिर डायरेक्ट आप ऐसा करते हैं सी एच थ्री सी एच टू और ये सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, बोलो यही तो है। समझ में आया? क्लियर है? और क्या बना सकते हैं? और बना सकते हैं सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये रहा सी एच थ्री, चेक करो क्या दोनों अलग अलग है और कोई बनेगा क्या? अरे भैया यहां से हम लेगा यहां, अब यहां से दोबारा यहां ले जाओगे तो फिर तो यही बन जाएगा, सेमी तो कॉमन बन जाएगा ना। समझ आया या नहीं आया? जिसको नहीं आ रहा था बदल बोलो, जिसको नहीं समझ में आया बोलो, फिर से बोलो। इसका नाम क्या लिखते हैं बताओ? क्लास टेन में पढ़े होगे ना? अल्काइन का है वन ब्यूटाइल, लिखते हैं ना? इसका नाम टू ब्यूटाइल। इज दैट क्लियर? मेरे कहने का मतलब यही है कि दोनों स्ट्रक्चर्स और नाम अलग अलग हैं, समझा? ठीक, आपको कुछ नहीं हो सकता इसमें स्ट्रक्चर। अब आ जाओ इसमें, तो दूसरा हम आया है अल्कीन। अल्कीन चार कार्बन का अल्कीन बनाना है। अब अल्कीन का मतलब क्या? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, चार कार्बन का अल्कीन कैसे बनाओगे? ये बनेगा तुम्हारा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू और ये हो जाएगा सी एच थ्री, चेक करो ये बनेगा क्या? लेकिन इसमें पाई बॉन्ड दो होने चाहिए थे, आया समझ में? तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से हटा के एक हाइड्रोजन हटा के और पाई बॉन्ड यहाँ का हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। चेक कर लो कार्बन चार हाइड्रोजन से ज्यादा क्या है? हाँ आप देखो, और इसमें दूसरा आप क्या बना सकते हैं? दूसरा बना सकते हैं सी एच टू
दो तरीके के बन गए, अब कुछ बनेंगे क्या? नहीं, अब एक के ऊपर एक थोड़ी लगा, उसका अलग ही करना है। समझ में आया? अब कुछ बन सकता है क्या? नहीं, ठीक है, अब तुम्हारा हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये अल्काइन तो इसको डाइन की भी कहेंगे, दो बार डबल लॉन्ग, ठीक है, दो बार डबल लॉन्ग। अब हम लोग किसमें आ जाते हैं? तुम्हारा अल्काइन हो गया, ये हो गया, अब यानी कि ये वाला काम हो गया। अब किसमें आते हैं? वन थ्री प्लस वन फाइव बॉन्ड, तो चार कार्बन का रिंग और एक फाइव बॉन्ड देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो एक क्या हो सकता है? ये बनेगा क्या? अब बताओ आप क्या बनेगा, यानी बेसिकली ये आपका क्या है? CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये CH2, ऐसा ही तो है। और क्या बनेगा? एक रिंग और एक फाइव बॉन्ड, कैसे बनेगा? और ऐसा हो सकता है क्या? लिखना CH3 CH CH2 CH2 CH, ऐसा देखो, ये बन सकता है क्या? चेक करो, एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, क्यों नहीं? हाइड्रोजन ज्यादा हो गया, तो क्या ज्यादा हो गया? अब देखो बना, ठीक है। अब देखो और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? CH3, ये देखो कार्बन, उसके बाद ये CH और ये रहा CH और ये डबल बॉन्ड। अब चेक करो, नया बना क्या? और ये पाई बॉन्ड यहाँ डालोगे तो फिर से कॉमन हो जाएगा क्या? सेम स्टेज का। और क्या बन सकता है? और देखो बना सकते हैं CH2, ये रहा CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये ऐसा ही बन सकता है। हां, एक एक्स्ट्रा ठीक है। कितने स्ट्रक्चर हुए? चार हुए। तो ये क्या पूरा हो गया? मेरे एक रिंग और एक पाई वाले फॉर्मिंग करेगा, इतना ही बात समझ में आएगा। और एक तुम्हारा जो है वो आप तुम्हारा लास्ट में क्या बचा? दूरी, यही बचा ना दूरी। अब उसको समझने के लिए थोड़ा और हम तुमको समझाएंगे दूरी, डिफरेंट टाइप्स के जो दूरी होते हैं उसके बारे में, उसको थोड़ा सा नीचे कर। इसमें पहला आएगा तुम्हारा बाई साइक्लो कंपाउंड, ठीक है। हम इसके बारे में बता रहे हैं, इसमें जो तीसरा वाला है दूरी उसके बारे में समझा रहे हैं, जिससे पहले हम तुमको समझा रहे हैं बाई साइक्लो कंपाउंड। तो ये कुछ प्रकार के कंपाउंड होते हैं जिसमें दो रिंग होते हैं, ठीक है, टू रिंग विद कॉमन बेस, दैट इज बाई साइक्लो कंपाउंड। क्या लिखेंगे इसको? टू रिंग विद कॉमन फेसेस, कॉमन फेस। जैसे एग्जांपल, एग्जांपल देखना जी, एग्जांपल जैसे ये कॉमन फेस है क्या? सोलोरिंग का, ठीक है, उसके बाद में ये देखो दो टूरिंग के कॉमन फेस, समझ में आ रहा? उसके बाद ये रिंग बनाना चाहें, ये देखो समझ आ रहा? ये देखो इसमें कॉमन फेस कौन सा तुम नजर आ रहा है? देखो ये वाला क्या है? कॉमन फेस। ये वाला क्या है? कॉमन फेस। ये क्या है? कॉमन फेस। One common carbon.
कैसे एग्जांपल ये बीच का वाक्य है कॉमन कार्बन है ना दो रिंग का ये वाला समझ गया दोनों रिंग का कॉमन कार्बन हो गया जिससे दोनों लगे हुए हैं उसी प्रकार से देखना जरा
ठीक है, बता इसका डी कितना होगा? ध्यान से तीन आठ होगा। बोलो इसका डी कितना आएगा? एक पाई यहाँ लगा रहा है, तीन पाई यहाँ पे, टोटल पाई यहाँ पे चार। और सी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ चेंज था, समझ आया? कितने हो गए यहाँ पे पाई? दो पाई यहाँ पे मिलेंगे, पाई कितना होगा टोटल? बी दो पाँच छः, और ये कितने कितने हो
के साथ एक्स प्लस 38 रखते हो का पार्ट समाप्त ठीक है कल से नहीं होगा।